दे आर सो हैप्पी हेवन टू माई जालियो दिया दो दो सॉफ्टी गाने लेते हुए पापा दिख रहे नहीं शबा आप तो स्मोकिंग नहीं करते हो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द मॉम्स चैनल हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अभी शाम के बजे हैं सात बजने में 10 मिनट हैं और मैंने बना ली अभी रोटी और दिन का ना मेरा साग बचा हुआ है तो हम वही खा लेंगे और क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है ना बनाना तो मुझे था साग पर क्या हुआ कि अभी अभी हमारा प्लान बना है कि हम लोग जाएंगे नुमाइश आज फर्स्ट बार ईयर में खास तौर से तो अभी पंकज लोग भी आएंगे तो पंकज आते हैं पालकी आते हैं तो हम लोग चलते हैं नुमाइश को इसलिए मैंने रोटी बना के रख दी है क्योंकि वहाँ से आने तक हमको लेट हो जाएगा तो इसी चक्कर में और दिया बहुत खुश है आज हाँ दिया बहुत दिया सो हैप्पी हेवन नुमाइश जा रही हूँ झूले में बैठूंगी अब पता नहीं पंकज झूले में बैठने की सोच रही है अभी से सो या अभी दी गई है ट्यूशन अगर हम पहले चले गए तो वो सीधे नुमाइश आएगी हमको वहीं ज्वाइन करेगी नुमाइश में वो सीधे हमको नुमाइश मिलेगी अगर हम चले गए अगर वो हम चले गए जल्दी तो वो सीधे हमको नुमाइश मिलेगी वरना हम एक साथ जाएंगे तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ जाने के लिए वो भी मम्मी लोगों को साथ दे रहा फिलहाल तो मौसम साथ दे रहा है पहले तो मौसम है भाई अगर बारिश होगी हाँ भी है बारिश होगी तो कैसे जाओगे नुमाइश नुमाइश करना निकल जाएगा नुमाइश कोई बात नहीं कर जाएगा रोटी बन चुकी रोटी के ढक्कन पौधे में ढक्कन लगाया है छोड़ के दिया और थोड़े से मेरे बर्तन रह गए तो मैं सोच रही हूँ इनको भी धो लेती हूँ नहीं तो रात को आके ना मुझे आलस आएगा उसके बाद अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं नुमाइश पालकी आई है ये पंकज भाई बेटी पालकी से पहले भी मिल चुके हैं क्योंकि मायके गए थे हम लोग और यहाँ काफ़ी चहल पहल हो रही है खूब उजाला लाइटिंग और दिया के पापा आगे तो अभी आई हुई थोड़ी देर में आएगी और ये स्टार्टिंग में यहाँ पे मेडिकेट लगे शाही पापा चले गए टिकट लेने के लिए 20 रुपये पर पर्सन टिकट है और यहाँ पे व्हाइट हाउस बना हुआ है पूरा तो सारे भगवान ही लगे मंदिरों का सारा हुआ है दिया गया है मैंने कहा दिया तो ले तो नहीं लिया कुछ पहले अंदर ही पापा उधर पापा उधर गए वो है टिकट ले रहे स्टार्टिंग में कालीन है यहाँ पर रखी हुई है लास्ट में देखेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉपकॉर्न पान सब दिख रहे हैं मेरे फेवरेट पॉपकॉर्न जाते भी मिल जाएंगे क्यों मम्मी के लिए पॉपकॉर्न हाँ हम निकल लिए पीछे पीछे लाइन लगेंगे पहले तो टिकट के लिए और आखिर हम लोग आज आ ही गए नुमाइश में और नुमाइश को लगे हुए करीबन 1 महीना हो चुका है और अब जाके हम लोग नुमाइश आए हुए और आज है सैटरडे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ पे बाय गॉड मुझे लगता है सैटरडे और संडे यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है सभी लोगों की छुट्टी होती है तो सब लोग उसी दिन ही आते हैं तो मैं यहाँ पर जरा सा सामान दे गई थी दिया को चिड़ा भी नहीं दिया तुझे ड्रेस चाहिए पर्स चाहिए या क्या चाहिए करके और यहाँ पर ना सामने से मेहंदी वाला भी बैठा हुआ था बचपन में ना हम लोग जब मेले जाते थे तो हम लोग खूब मेहंदी लगवाते थे स्टाइल से और चूड़ियाँ तो बहुत रंग बिरंगी मस्त सामान दिख रहे हैं और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए खूब सारे खिलौने गेम्स भी दिख रहे हैं दिए देख ना ना पूरी कर लो मैं कर रहा हूं दिया करेगी ना ना ऐसे भीड़ में तो ऐसा बन रहा है घूमो और वापस चल दो और यहाँ पे खूब सारे झूले लगे हुए हैं और इस बार ये जो नया झूला आया हुआ लग रहा है क्योंकि पिछले साल तक नहीं था ये झूला तो हम लोग सोच रहे हैं कि मैं श्रेया और दिया भी झूले में झूलेंगे और श्रेया के पापा को तो इतना गर्म हो रहा है इनको श्रेया के पापा को क्या मुझे इतना हम सबको इतना गर्म हो रहा है ना यहाँ पर क्या बताऊँ और ये झूला जब नीचे आ रहा है ना लग तो रहा है कि
उसमें अच्छा लगेगा कि आराम से आ रहा है। इतने खतरनाक और झूले तो इतने खतरनाक चल रहे थे तेज़ी से, ये थोड़ा सा आराम से, इसमें मुझे लग रहा है कि मैं आराम से बैठ पाऊँगी। तो मैं सोचूँ कि मैं इसी झूले में बैठूँ करके, अभी देखते हैं शायद या क्या कहते हैं तैयार होते नहीं होते हैं बैठने के लिए। फिलहाल तो उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिया बोलती मैं नहीं बैठूँगी इस झूले में, और श्रेया भी बोली थी मैं नहीं बैठूँगी। और ये सामने लगा है मौत का कुआं। तो दिया बोली मुझे हॉन्टेड हाउस में जाना है, मैं बोली नहीं नहीं तुम ट्रेन में चले जाओ, इसमें ठीक है बच्चों के लिए। पर वो बोली कि नहीं मुझे उसी में जाना है। मैंने कहा यार उसमें बहुत डर लगता है, मैं एक बार गई भी ना तो मुझे पता है उसमें कैसा होता है। और यहाँ पे ये झूला लगा हुआ है, मैं बोली चले झूले में चले जाना है, बोली नहीं इसमें नहीं जाऊँगी। कोलम्बस भी लगा हुआ है, इसमें भी नहीं जाने का मन है उसका। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं, और यहाँ पे एक बड़ी क्रॉकरी की दुकान है, यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। और यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे ना कप प्लेट के सेट भी पूरे आए हुए हैं, और छोटे छोटे वो टेडी बेयर बने हुए हैं हाथी। और यहाँ पे हम ना जूते देख रहे थे, हम मजाक कर रहे थे कि छोटी के पैर में आ जाएंगी जूते, इसके लिए ले लेते हैं जूते भले, और लेने नहीं बस के लिए ले लेते हैं। पहुंच चुके हैं झूले के टॉप में, और यहाँ से नीचे का मेले का नज़ारा ना कुछ मज़ा ही आ रहा था, क्योंकि लाइटिंग बहुत सुंदर लग रही थी।
धुआंधार नाक से निकाल, नाक से साथ में अपने ब्लॉग की पेंडिंग कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में, तब तक लोग के टाटा बाय।